हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। हीट ट्रांसफर का एक क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म थर्मामीटर स्केल इज एट स्टेडी स्टेट विद इट 0 सेंटीमीटर मार्क एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 100 सेंटीमीटर मार्क एट 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ द 60 सेंटीमीटर मार्क इज, तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं। एक स्केल है हमारे पास, ये एक स्केल हो गया। यहाँ पे 0 सेंटीमीटर मार्क है और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर मार्क है। 0 सेंटीमीटर मार्क पर टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मार्क है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 60 सेंटीमीटर मार्क जो होगा यहाँ, इस जगह पे कितना टेम्परेचर होगा हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो हीट करंट जो फ्लो करती है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर करती है। जो हीट करंट फ्लो करेगी वो ऐसे करेगी। ठीक है, चलिए। तो पहले तो हीट करंट का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि हीट करंट जो होती है, अगर कोई रॉड है उसकी लेंथ एल, एरिया क्रॉस सेक्शन ए और थर्मल कंडक्टिविटी के, और ये टी एच और ये टी एल, तो हीट करंट जो फ्लो करेगी वो ऐसे करेगी। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर डी क्यू बाई डी टी, ये हीट करंट है। रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल टू के ए टी एच माइनस टी एल ओवर आर, सॉरी एल, थर्मल कंडक्टिविटी। ये थर्मल कंडक्टिविटी है, ए है एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये होती है, और इसको हम बोलते हैं जूल पर सेकंड। एक सेकंड में जो हीट एनर्जी फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू है, इसे हीट करंट बोलते हैं। चलिए करते हैं, पहले पूरे रॉड के लिए करते हैं, है ना। तो कितना लिखें, हीट करंट, हीट करंट आई एच इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी के, एरिया क्रॉस सेक्शन ए और हाई टेम्परेचर टी एच माइनस टी एल, तो 100 माइनस के 20, 100 माइनस के 20, तो 100 माइनस के 20, तो ये लेंथ पूरी कितनी हो गई, ये वाली 0 सेंटीमीटर मार्क, 100 सेंटीमीटर मार्क, दैट 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 80 बाई 80 KA बाई 100। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। देखो हीट करंट पूरे में सेम ही है क्योंकि ये पूरा सीरीज में कनेक्टेड है रॉड, है ना। तो मतलब अगर इसको यहाँ दो टुकड़े कर लें तो ये एक 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 रॉड का टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो हीट करंट सेम है, हीट करंट सेम फ्लो कर रही है। तो फिर हम इसके लिए लिख रहे हैं, इस वाले सेक्शन के लिए, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ पी क्यू, तो पी क्यू सेक्शन के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिखें, हीट करंट आई एच बराबर थर्मल कंडक्टिविटी के और एरिया क्रॉस सेक्शन ए, और टेम्परेचर हो गया, हमेशा टी एच माइनस टी ए लिखते हैं तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, इधर इधर टेम्परेचर फॉलो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस, तो टी माइनस के 20 ओवर लेंथ हो जाएगी ये वाली 60 सेंटीमीटर, ये वाली, तो 60। इक्वेशन नंबर टू हो गई। अब देखो ये हीट करंट और ये हीट करंट इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल कर ले, 80 KA ओवर 100 इक्वल टू KA T माइनस के 20 ओवर 60। तो देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया और के ए से के ए कैंसिल हो गया, ये 48 हो गया, इज इक्वल टू टी माइनस के 20, टी इज इक्वल टू 68 डिग्री सेल्सियस। तो इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर 68 डिग्री सेल्सियस होगा। बी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।